तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील। तो एक दोस्त की क्वारी थी कि हमारे जो पुराने पेड़ हैं उसमें फूल आते कि नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, ये पेड़ जो है हमारा तकरीबन 5 साल का हो गया है ये पेड़, और ना हम इसको कुछ कटिंग करते हैं और ना कोई प्रोसेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेड़ की ग्रोथ कितना बड़ा हो गया है ये, और इसके टहने देखेंगे आप जिधर उधर सब जगह फैले हुए हैं, ना कोई इसकी केयर करते हैं हम लोग, क्योंकि वो बोला ना प्रैक्टिकल का ज्ञान देना ज़रूरी है। तो इससे हम भी पता करते हैं और आप लोगों को वो चीज़ बताते हैं कि पुराने पेड़ में, तो जिन वीवर की कमेंट थी कि पुराने पेड़ में डाले के फूल आते कि नहीं, तो आप देख सकते हैं डालिया में फूल आते हैं पुराने पेड़ों में भी। और ये देखिए आप, आपके सामने इतना फूल भर के खिला हुआ, और कलियों की बात करें तो तकरीबन इधर उधर करके 1000 के ऊपर इसमें कलियां होंगी। और पेड़ में आप सूट देखेंगे तो कितने ज़्यादा सूट से, और शक्कर अब निकलने लग रहा है। कट्टे में लगाया हुआ पेड़ है और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो केवल हम इसको खाद देते हैं, और मदर प्लांट है ये हमारा, जिससे हम अपने अपने लिए और डेलिया की ब्रांचेस तैयार करते हैं, फूल पेड़ प्लांट तैयार करते हैं। और उसमें देख सकते हैं आप किस तरीके से डेलिया में हमारी कलियां आ रखी है। और इसी का जो हमने इस साल शिफ्ट किया वो है ये वाला प्लांट, और इसमें भी आप देखेंगे कि कलियां है, मगर क्या है कि जो हमारे ये डेलिया जितना पुराना हो गया, आप फूल देखेंगे थोड़े इसके छोटे हो गए हैं। तो क्योंकि हमने इसको बूस्टर खाद नहीं दिया, बूस्ट वाले करने वाले खाद नहीं दिए, तो आपके पुराने प्लांट जो होंगे उसमें फूल ज़रूर आएंगे और भर के आएंगे। बस हिसाब ये बनता है कि आप उसको केयर कैसे कर रहे हैं, उसको कैसे आप केयर करके उस प्लांट को रख पा रहे हैं। तो आप देखेंगे फूल इस टाइप से आते हैं, और फूल थोड़े छोटे ज़रूर होंगे, मगर फूल आता है डेलिया में। और प्लांट पुराना हो या नया हो, फूल देता है, इनका नेचर उस टाइप का है। बस आप अपना केयर अच्छी तरह से कीजिए गुलदाउदी को, और ये आपको भर भर के फूल देता है। तो दिवाली पे हमें ये फूल भी मिल गया जो मैं चाह रहा था, और हाइब्रिड के फूल छोड़ के जो हमारे देसी फूल हैं वो भी अब खिलने शुरू हो चुके हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि पुराने पेड़ों में फूल नहीं आता, आता है आपका, और जिस तरीके से हम चाहते हैं उसी तरीके से आता है। बस आप अपने प्लांट को नेक्स्ट ईयर बचा पाते हैं कि नहीं ये रहता है। अगर हमारे बात करें तो 5 साल इस पेड़ को हो चुका है, और 5 साल से हम इसको कंटिन्यू बचा रहे हैं, और इसकी फूल को हर साल इंजॉय करते हैं कट्टे में। और इसको भी इस साल, अभी ये कट्टा फट जाएगा तो इसको कट्टे से दूसरे कट्टे में शिफ्ट कर देंगे, मगर प्लांट अगले साल भी चलेगा। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना सब्सक्राइब जरूर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, हैप्पी दिवाली।